नमस्कार दोस्तों एस एस सी अडा ट्वेंटी फोर सेवन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और क्षमा चाहूंगा आपने इस आठ नौ मिनट के लेट के लिए संडे था यार तो समझ रहे हो ना थोड़ा आराम आराम से लेक्चर लेने की तरफ आगे बढ़े लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं कि जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा भी लेट कर सकें और जैसा कि हम सभी लोगों ने निर्णय लिया था कि आज हम लोग <coughs> मार्च महीने का करंट अफेयर दोहराएंगे मैं लिख करके दे दूं मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह दूं कि आज ये जो 200 प्लस प्रश्न हैं आपका एम का एग्जाम मई के महीने में है लास्ट सिक्स मंथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनमें से एक महीना ये है अप्रैल अब हम लोग कल सुबह आठ बजे से पढ़ना शुरू कर देंगे तो जरा मुझे बताओ कि अगर मैं ये 200 प्रश्न कराओ चलो शुरुआती 100 प्रश्नों की बात करते हैं 100 में कौन कितना सही करने वाला किसको भरोसा है कि सर हम आज करंट अफेयर को उड़ा करके रख देंगे बताइएगा किसको भरोसा है कि सर आज हम करंट अफेयर को उड़ा कर रख देंगे तो यार मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सब के सब करंट अफेयर की धज्जियां उड़ा देंगे और शुरुआत करेंगे अपने वो जब जी डी का एग्जाम चलता था तो ये मेरा बड़ा फेवरेट स्टेटमेंट कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया है मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है ना जब ठान लिया तो ठान लिया। तो ये है आपका क्या कहते हैं स्लोगन ऑफ द डे मेरे लिए तो हमेशा का स्लोगन और साथ ही साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे यदि आपको जीएस के बैच चाहिए कैप्सूल कोर्स तो वाई वन एट टू कोपन कोड प्रयोग करके जुड़ सकते हैं और हाँ अब से 40-45 मिनट बाद आ रहा है अर्जुन मात्र इसी लेक्चर के 40 से 45 मिनट बाद तो सब लोग एकदम धुआंधार तरीके से रेडी रहना क्योंकि ये जो अर्जुन है ना मजा ला देगा एक हिंट दे दूं बहुत कुछ फ्री है आपके लिए बहुत कुछ फ्री अब क्या है मैं ईमानदारी से बता रहा हूं मुझे खुद भी नहीं पता कि अर्जुन क्या है सच बता रहा हूं अभी भी मैं जब लेक्चर लेने आ रहा था तो मैंने मैनेजमेंट से पूछा अपनी टीम से सीनियर से भाई बता दो ना अर्जुन क्या है कि हम लोगों को भी स्टूडेंट्स की तरह सात पैंतालीस पे ही पता चलेगा वो लोग बोले सर सरप्राइज तो सरप्राइज होता है देखते हैं तो शुरुआत करते हैं अपने और हाँ <coughs> कल मैंने G20 पे सेशन लिया हुआ है जो लोग अभी भी नहीं देखे हो जाकर के देख लो एक नंबर यहां से कंफर्म है तो अब शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर की मार्च महीने का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लाने जा रहा हूं ऑल द बेस्ट देखते हैं कितना उड़ाते हैं आप लाइकवाई like कर दो यार एक बार ठीक है ना लाइक वाई कर दो बाकी देखते हैं ठीक है ना पहला क्वेश्चन निम्न में से किस महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है बताइएगा निम्न में से किसने राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है तो सर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है मध्य प्रदेश राज्य मध्य प्रदेश राज्य ने क्लियर है ना मध्य प्रदेश ने अगला अभी हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स मतलब बौद्धिक क्षमता इंडेक्स में भारत का स्थान सर प्रसन्नता वाले में तो भारत एक पे है क्लाइमेट वाले में तो भारत एक पे है वो भूख वाले इंडेक्स में तो भारत एक पे है लेकिन अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो टॉप किया है यूएस और भारत का स्थान है बयालीसवां भारत का स्थान है बयालीसवां अगला भारत की पहली नाउ बेसिन अब सोचो ऐसे क्वेश्चन पेपर में खूब इंपॉर्टेंट बनते हैं भारत की पहली नाव बेसिन किस राज्य में बनाई जा रही है तो वो आपके बनाई जा रही है कर्नाटक में आज मेरा वो पीपीटी चेंज करने वाला नहीं है बड़ा गड़बड़ा गया यार अगला क्वेश्चन निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है बताइएगा सर वो चंद्रशेखर लिमिट चंद्रशेखर जी की याद बिल्कुल दोस्त चंद्रशेखर लिमिट तो होता है 1.44 और इसका राइट आंसर बनेगा 28 फरवरी जब हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और ऐसे ही अगर आपके अगस्त आ जाता तो फिर खेल वेल खेल लीजिए अगला इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने IOCL ने किस वर्ष तक अपने सभी रिफाइनरी में हरित हाइड्रोजन इस बार के बजट में ग्रीन हाइड्रोजन पे विशेष जोर दिया गया है मैं अपने रेगुलर वाले लेक्चर में आपको ग्रीन हाइड्रोजन ब्लू हाइड्रोजन रेड हाइड्रोजन कई प्रकार के हाइड्रोजनों के संयंत्र की बात करता हूं उस पे ध्यान बनाए रखना और ये है आपके डी ऑप्शन 2046 तक 2046 तक हरित हाइड्रोजन संयंत्र अगला निम्न में से किसे फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया है है 2035 पैंतीस करो छियालीस है टारगेट वही है एक लोग लिख दिए तो सब लोग उसी नदी में बहते शुरू कर दिए है, ठीक है ना

बहुत ही अच्छे बढ़िया फुटबॉल प्लेयर हैं और इस बार फीफा में इन्हें प्लेयर बूट ठीक है ना गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है अगला पॉइंट पे जाएंगे पेप्सी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया अभी सर कुछ दिन पहले की बात है कि इन्हीं रणबीर सिंह को स्टार स्पोर्ट्स का भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है हम लोग सुबह आठ बजे वाले में पढ़े थे और ये पहले अभिनेता हैं जो स्टार स्पोर्ट्स के बने नहीं तो आज तक तुम लोग टीवी पे देखते होगे कि स्टार स्पोर्ट्स का जो आपके प्रयोजक रहता है मतलब ब्रांड एम्बेसडर अक्सर कोई खिलाड़ी रहता है हीरो नहीं ओवरऑल अगला निम्न में से किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला संपीडित कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया गया है बताइएगा पूर्वोत्तर का पहला सर पूर्वोत्तर का पहला खोला गया है आपके असम में ठीक है ना असम में ओपन किया गया है अगला क्वेश्चन भारत की जी ट्वेंटी कल हमने जी ट्वेंटी मतलब जी ट्वेंटी पे एक मैंने सेशन लिया हुआ अब कल परसों क्या बोलना वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है मैं कह रहा हूं 2023 हजार ही नहीं 2024 के लिए भी जी ट्वेंटी के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन बनेगा ठीक है ना और आज जो ये मैं करेंट अफेयर की एक तरीके की मैराथन ले रहा हूं महीनों की इसकी पी और G20 वाली पीडीएफ सब पाने के लिए आपको वो अड्डा का ऐप का जो लिंक लगा हुआ है वो डाउनलोड करना पड़ेगा नीली पट्टी से तभी पीडीएफ मिलेगी लास्ट में दे दूंगा और सब लोग ले लेना ठीक है ना लास्ट में पीडीएफ दे दूंगा अभी हाल ही में किसे नासा में विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है विज्ञान प्रमुख के रूप में सर नासा के विज्ञान प्रमुख बने हैं आपके निकोला फॉक्स ठीक है ना निकोला फॉक्स बने हैं अगला क्वेश्चन 28 फरवरी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की सर राजेंद्र प्रसाद जी ने पटना की स्थापना थे उनकी साठवी पुण्यतिथि मनाई गई है अगला निम्न में से किस राज्य ने अभी हाल ही मेंशोधन विधेयक दो हजार तेईस पारित किया है नियंत्रण हाँ तुम लोग को एकदम रटा हुआ है भैया ठीक है है ना सीरा लला सीरा नियंत्रण नियंत्रण लल्ला आपके बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश ठीक है ना सीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक उत्तर प्रदेश मंदिरों में अनुष्ठान कार्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कई बार मंदिर में पूजा पाठ होते समय दो चार बार ही सही ऐसी दुर्घटना हुई कि हाथी भड़क गई और कई लोगों का जान चला गया तो फिर मैकेनिकल हाथी का सपोर्ट लिया गया कि भाई पूजा ही करना है ना ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म जितने भी लोग तो सपोज कर लेते हैं कि भगवान है ईश्वर है तो लो हाथी भी सपोज कर लेंगे ताकि किसी इंसानियत को नुकसान न हो और यह अच्छी पहल है यह है आपके ऑपरेशन केलर केरल हाथियों को रेलवे की पटरी से दूर रखने के लिए ऑपरेशन भिन्न भिनाहट रेलवे ने शुरू किया है पूर्वोत्तर के राज्यों में तो ऑपरेशन भिन्न भिनाहट का संबंध किससे है हाथियों को रेलवे पटरियों से पूर्वोत्तर में दूर रखने के लिए अगला निम्न में से किस पे सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल सर इनमें जो साहसिक पर्यटन स्थल है वो तो कश्मीर में है ना कहीं घाटी कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं गोली कहीं बारूद तो जो जाएगा वो साहसिक पर्यटक तो है ही सही कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल लेकिन अब स्थिति बहुत बदल गई है निम्न में से किस दिन शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है आज जानते हो वो पीपीटी चेंज करने वाला मेरा है नहीं अब हमको बार बार इधर पलटना पड़ रहा है शून्य भेदभाव दिवस एक मार्च को अगला निम्न में से किस स्थान पर रायसीना डायलॉग रायसीना है क्या सर अरावली पर्वत का सबसे आखिरी छोर जो दिल्ली में स्थित है उसी रायसीना पर्वतमाला के ऊपर भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का निवास है मतलब राष्ट्रपति भवन है और इसका जो आठवा संस्करण हुआ है वो कहां होगा नई दिल्ली में जब रायसीना डायलॉग ही हो रहा है तो नई दिल्ली में अगला क्वेश्चन किस टीम ने छह साल बाद 2023 में कारबाओ कप खिताब जीतने के लिए न्यू कैसल को हराया है याद रखिएगा जिन्हें जिन्हें भी इनकी पीडीएफ चाहिए उन्हें अड्डा का ऐप लल्ला फ्री में आता है वो देखिए ऊपर दिया हुआ है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको उस पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और मैं विश्वास के साथ कहता हूं इन क्वेश्चन को अपने पास सुरक्षित रखना एक दिन मैं एक अलग से सो लूंगा और बताऊंगा कि इन पीडीएफ का प्रिंट आउट भी कैसे निकलवा सकते हो इन पीडीएफ का प्रिंट आउट कैसे निकलवा सकते हो वो भी मैं बताऊंगा लेकिन वो ऐप डाउनलोड का लिंक है उससे डाउनलोड कर लेना फिर बात होगी राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस दिन मनाया जाता है सर मोदी जी इसके जनक माने जाते हैं और स्वर्गीय अरुण जेटली जी सत्ताईस फरवरी को अगला निम्न में से कौन सा राज्य इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एथनो प, एथनो पर्म, 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 फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 इधर से कभी कभी चमकता भी है हम खड़े होते हैं, इधर से लाइट भी आती रहती है फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 भैया ये कर रहा है आपके मणिपुर अगला अभी हाल ही में मसाला बोर्ड की छत्तीसवीं बैठक का आयोजन किया गया कहां पे मसाला बोर्ड की छत्तीसवीं बैठक का आयोजन किया गया है बताइएगा तो सर मसाला बोर्ड की छत्तीसवीं बैठक का आयोजन केरल में किया गया है ठीक है ना मसाला केरल में अगला क्वेश्चन अभी हाल ही में किसने उप सेना उप थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है बताइए कौन है इस समय भारत के उप थल सेना अध्यक्ष सर उप थल सेना अध्यक्ष आपके सुचिंद्र कुमार याद रखना मैं ये रिवीजन करवा रहा हूं कोई ये मेरी डिटेल क्लास नहीं चल रही है कई बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं अरे सर इतना तेज तो लल्ला ये आपके एग्जाम के लिए रिवीजन करवा रहा हूं विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस एक मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस एक मार्च को मनाया जाता है नेक्स्ट अभी ही में किस राज्य में तेरह साल पुराना बौद्ध स्तूप पाया गया है अभी वहां पे पूरा तत्व विभाग की खुदाई चल रही थी और उसमें तेरह सौ साल पुराना बौद्ध स्तूप ओडिशा में पाया गया है निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में हरित बजट जो बजट अपना पेश किया उसको नाम दिया हरित बजट का तो हरित बजट पेश किया है आपके मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अभी मध्य प्रदेश का कोनो नेशनल पार्क चर्चा में है वहां चार चार छोटे छोटे चीते के सावक बच्चे जन्म लिए हैं सासा नाम की एक मादा बाघिन या टाइग्रेस की डेथ हुई है नेक्स्ट पॉइंट बोला टीनिबू ठीक ना, है, अच्छा है ना नाम कितना बोला टिनीबू को हाल ही में किस नाइजीरिया के जैसे हम के अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे अभी हाल ही में किस राज्य में सातवीं राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है सातवीं राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है बताइएगा सातवीं राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है डी ऑप्शन मध्य प्रदेश में हालांकि सात राजमार्ग का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में भी किया गया है ठीक है ना नितिन गडकरी जी द्वारा भारत निम्न में से किस देश के साथ मिलकर सीनियु मैत्री नामक अभ्यास कर रहा है एक्चुअली ये जापान के साथ भारत कर रहा है ठीक है ना जापान के साथ मैत्री नामक अभ्यास कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन भारत के लिए एमिरेट्स सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभर कर सामने आई है या किस देश की एयरलाइन है बताइएगा एमिरेट्स सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभर कर सामने आई है यह किस देश की एयरलाइन है सर यह सिंगापुर कहां है बी ऑप्शन यूए क्षमा करिएगा वो चिंगा वाला जो है वो सिंगापुर का है वो हवाई जहाज में ये यूए का है नेक्स्ट राष्ट्रीय युवा महोत्सव का चौथा संस्करण निम्न में से किस स्थान पर शुरू किया गया है राष्ट्रीय युवा महोत्सव बताओ कहां पे शुरू हुआ है तो सर राष्ट्रीय युवा महोत्सव नई दिल्ली नेक्स्ट निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर जहां भी शुरू हुआ गर्मी के दिन में वही चुपचाप जाके पड़े रहने की इच्छा है ठीक है ना गर्मी के दिन में वहीं जाके चुपचाप बैठे रहने की इच्छा है तो सर एयर कंडेंसर पहला शुरू किया गया है झारखंड में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन निम्न में से किसके द्वारा बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के सासी बोर्ड की पहली बैठक की ये वो क्वेश्चन होते हैं ना जब एग्जाम पेपर में आते हैं तो लोगों को लगता है अरे क्या पढ़ के आए थे क्या आ गया ध्यान तक नहीं रखते हैं लोग इन क्वेश्चंस का यही वजह है कि बार बार रिवीजन कराना पड़ता है ठीक है ना

एक बात याद रखना इसकी पीडीएफ आपको अड्डा के ऐप पर मिलेगी और अड्डा के ऐप का लिंक वहां कमेंट बॉक्स में पिन है आप क्लिक करके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं न सिर्फ पीडीएफ बल्कि टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स ई बुक्स बहुत कुछ फ्री में मिलेगा ठीक है ना तो यार प्लीज और प्लीज ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना ठीक है ना और इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन नई दिल्ली नेक्स्ट अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार किसे दिया गया बड़ा बवाल हुआ है इस पर समझ रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन नियुक्त करेगा तो उन्हें नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति मतलब कुल मिला जुला के प्रधानमंत्री के हाथ में पावर आ गई है उनका सलाह विचार तो लिया ही जाएगा अगला निम्न में से किसे इंपॉर्टेंट है यह हैरी पोर्टर पुरस्कार नहीं है समझ रहे हो हैरी पोर्टर पुरस्कार नहीं है सर पोर्टर पुरस्कार दिया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को कोविड के दौरान प्रभावी तरीके से निपटने के लिए नेक्स्ट पूसा कृषि विज्ञान मेला निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है पूसा कृषि विज्ञान मेला भैया एक बात आपसे कहें ये देख लो कितने लोग लाइव और कितना लाइक है यार एक बार लाइक तो कर दो दबा करके सभी लोग ठीक है ना कम से कम लाइक कर दो उत्साह तो बढ़ा रहता है कि यस हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं डी पूसा कृषि मेला नई दिल्ली नेक्स्ट निम्न में से किस दिन विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है बताइएगा आज का सेशन बेहद ही महत्वपूर्ण तो है यह बात याद रखिएगा ठीक है ना ये अचानक लिया गया नहीं मेरे दिमाग में ये प्लान था कि इसे मैं लूंगा ठीक है ना ये सेक्शन मैं करूंगा विश्व वन्य जीव दिवस तीन मार्च अगला निम्न में से किसे एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है क्योंकि सर जो आपके एसएसबी के नए महानिदेशक रश्मि शुक्ला दूसरी महिला नियुक्त हुई है नेक्स्ट निम्न में से कौन केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं पता है मैं अपनी स्पीड से दस क्वेश्चन पीछे चल रहा हूं क्योंकि मुझे बार बार पीछे मुड़ना पड़ रहा है आंसर के लिए तो वो मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत भराज वो मैं चेंज करने वाला पीपीटी चेंज करने वाला भूल गया हूं अगला निम्न में से किसे बी एस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है बी एस बैंकर ऑफ द ईयर सर बी एस बैंकर ऑफ द ईयर है आपके बी ऑप्शन शशिधरन धरन जगदीशन शशि जगदीशन है बी एस बैंकर ऑफ द ईयर नेक्स्ट निम्न में से किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन सर अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ए ऑप्शन ऋषिकेश अगला वो थान निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं ला फांग फुंग फुओंग भूल गए ना ना अब अब करो ठीक है ना? अब इसका आंसर करके दिखाइएगा वो थान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं वियतनाम जापान ताइवान साउथ कोरिया सर ये बने हैं आपके ए ऑप्शन वियतनाम के नेक्स्ट निम्न में से किस राज्य में सातवें अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है मैं ये तेज सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एग्जाम टाइम पे आपको ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में मिले समझ रहे हो ना ताकि आपको क्या हो कि रिवीजन करने में आनंद आवे निम्न में से किस स्थान पर जी ट्वेंटी विदेश मंत्रियों की बैठक जी ट्वेंटी के ऊपर मैंने यूट्यूब पे पूरा एक सेशन लिया है वो सेशन प्लीज आप लोग जाकर के विजिट करके देखिए एक से दो नंबर वहां पे तय है आपको मिलना है जी ट्वेंटी विदेश मंत्रियों की बैठक जो है बी ऑप्शन दिल्ली में अगला निम्न में से किसे एशियाई शतरंज महासंघ ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है बताओ शतरंज का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इसमें से कौन है सर शतरंज के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी डी गुकेश को चुना गया है डी गुकेश को नेक्स्ट अभी हाल ही में किस शहर पर डोपिंग को लेकर चार साल का प्रतिबंध लगाया गया है ठीक है ना किस पर शहर नहीं किस पर सर डोपिंग को यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा डी ऑप्शन ऐश्वर्य बाबू मैं यहां पे हैशटैग कर रहा हूं तुम लोग देख लेना तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन रहेगा यह इंपॉर्टेंट है सौरया बाबू कोई पुरुष नहीं है महिला है पहले यह बात भी याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस स्थान पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन दो नामक अभियान लॉन्च किया गया है सर जल शक्ति अभियान यह लॉन्च किया गया है डी ऑप्शन नई दिल्ली में अगला क्वेश्चन हाल ही में सत्यव्रत मुखर्जी का निधन हो गया वे क्या थे सर सत्यव्रत मुखर्जी मशहूर राजनेता थे पचासवां मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए नाडा ने किसके साथ समझौता किया है सर शिक्षा है और एक साइड नाडा है तो एनसीआरटी को लेकर चलते हैं बिल्कुल ठीक है ना अब पचास क्वेश्चन के बाद एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अगर लग रहा है कि सर आज के भी दिन आप आके पढ़ा रहे हो तो लला एक बार लाइक तो जरूर कर देना लाइव और लाइक में डिफरेंस देख लो तुम खुद कह दो हाँ, सर थोड़ा है। और हाँ इस का जिसको जिसको पीडीएफ चाहिए इस पूरे क्लास का आने वाली करंट अफेयर का एक साल का छह महीने का अड्डा के ऐप की लिंक लगी है फ्री है डाउनलोड कर लो लास्ट में एक बैच भी फ्री कर दूंगा वो लेके चले जाना लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अड्डा के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें जो लोग नए हो मैं आपको बता देता हूं ठीक है ना जो लोग नए हो मैं आपको बता दूं आज आपके लिए एक बैच एक टेस्ट सीरीज और एक वीडियो कोर्स फ्री कर दूंगा ठीक है ना लेकिन उन्हीं को जिनके पास अड्डा का ऐप होगा ठीक है अड्डा का ऐप होगा हजारों स्टूडेंट उसको ले चुके हैं आप पूछ लीजिएगा आप ही के साथ पढ़ने वाले हजारों ले चुके हैं उसको ठीक है ना तो लास्ट में वो मैं कर दूंगा राजस्थान लेकिन तब तक हाँ देखो जो जो कह रहा है एक कह रहा है पता है रिकॉर्डेड है मारब ससुर रिकॉर्डेड है ना पढ़ो यहाँ चुप मार के निम्न में से किस देश ने अभी हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है बताओ 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 ऐप डाउनलोड कर लो जो लोग नए हो कुछ खास आपके लिए यहाँ पे मैं देने वाला हूँ ठीक है ना कुछ खास ऐप पे आपको देने वाला हूँ ए ऑप्शन भारत ठीक है ना और ऐप डाउनलोड करने के लिए वो लिंक दी हुई है उस लिंक पे क्लिक करके फ्री में डाउनलोड करके रखो अब से 10 मिनट बाद मैं आपके लिए एक बुक एक, एक टेस्ट सीरीज ई बुक्स वीडियो कोर्स ये फ्री कर दूंगा ठीक है ना ये फ्री कर दूंगा तो ऐप डाउनलोड कर लो ये बात जान लो निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है सर राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस चार मार्च को अगला क्वेश्चन निम्न में से किस राज्य में युवा उत्सव भारत एट द रेट दो का शुभारंभ किया गया है तो सर युवा उत्सव भारत एट द रेट दो पंजाब में अगला अभी हाल ही में क्रेग फुलटन इंपॉर्टेंट बनेगा क्रेग फुलटन किस टीम के कोच बने हैं सर ये हॉकी टीम के कोच बने हैं उसमें भी पुरुष हॉकी टीम के क्योंकि उड़ीसा में जो हॉकी विश्व कप हुआ था उसमें भारत की हार हो गई तो किसी पे तो गांज गिरना था लोग गिर गई गांज ठीक है ना अगला क्वेश्चन निम्न में से किसके द्वारा दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया गया है सर भारत ने लगाया है नितिन गडकरी जी ने हाईवे पे लगवाया है और बहुत इफेक्टिव है ये अगला क्वेश्चन निम्न में से किसे 2023 हजार तेईस पेन नाबोकोवाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है बताइएगा पेन नाबोकोवा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है बताओ तो सर पेन नाबोकोवा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है नेक्स्ट निम्न में से किसने हाल ही में संतोष ट्रॉफी इंपॉर्टेंट बनेगा संतोष रणजी ट्रॉफी कौन जीता है सौराष्ट्र जीता है संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड कर्नाटक ने जीता है ठीक है ना रणजी ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी ये सब देवधर ट्रॉफी इंपॉर्टेंट हैं और रहेंगे हमेशा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जेता एलस बिलिया को दस साल के जेल की सजा सुनाई गई वे किस देश से संबंधित हैं सर ये बहुत बड़े प्रोटेक्ट पे आजकल निकले हुए थे बेलारूस के हैं

सोचो भारत के लोकतंत्र को कहा जा रहा है एक सौ आठवें नंबर पे है भारत से जैसे लग रहा है कि और देश बड़े बढ़िया है मतलब कुछ कुछ रिपोर्ट ऐसी आती है वर्ल्ड की ना जिन पे सचमुच आदमी विश्वास नहीं कर पाता है लेकिन ओवरऑल आप क्या कर सकते हो अभी हाल ही में मऊगंज को किस राज्य का तिरपनवा जिला सर मध्य प्रदेश का तिरपनवा जिला है मऊगंज ठीक है ना तिरपनवा जिला है मऊगंज अगला क्वेश्चन डाक विभाग का एक अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक निम्न में से किस राज्य के लिए मैं ये लेक्चर सिर्फ तेज इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आज मुझे आप लोगों के लिए अड्डा के ऐप पर कुछ फ्री भी करना है साथ ही साथ वो देखो ऐप डाउनलोड की लिंक है जितने लोग नए हो डाउनलोड कर लो लास्ट में एक चीज फ्री करने वाला हूं ठीक है ना टेस्ट सीरीज है ई बुक्स है वीडियो कोर्स है हजारों लोग इसमें से लेके भी रखे हुए हैं अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा ऐप डाउनलोड करिएगा मैं आपको अभी दस मिनट में सौवे क्वेश्चन पे पहुंचते पहुंचते दे दूंगा ठीक है ना सौवे क्वेश्चन पे अगला निम्न में से किसे नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है नए लेखा महानियंत्रक सर नए लेखा महानियंत्रक है एस एस दुबे नेक्स्ट फ्रिजिक्स 23 नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है दो तेईस सर freejax जो है ये भारत और फ्रांस अरे यार देखो ना एफ आर आई तो फ्रांस और इंडिया फ्रीजेक्स ठीक है ना ये देखो फ्रीजिक्स आईएनसी इंडिया एफआर से फ्रांस ऐसे भी इन, इन इनके आंसर तो ऐसे ही हो जाते हैं अगला तो इसको मिटा भी दूं थोड़ा इसको मिटा भी दूं अब पेन ले लो हाँ, तो कहा है फ्रांस अगला क्वेश्चन अभी हाल ही में प्रसिद्ध सतीश कौशिक बहुत अच्छे कॉमेडियन थे सतीश कौशिक जी बॉलीवुड में अभिनेता थे और सर ए ऑप्शन अगला अभी हाल ही में में कोनराड संगमा को किस राज्य का सर कुछ राज्यों में हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले की बात है महीनों कह लो सी ऑप्शन मेघालय अगला निम्न में से किसने अभी हाल ही में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड दो में गोल्डन और सिल्वर अवार्ड जीता है सर भारत ने जीता है क्लियर है ना किसने जीता है तो भारत ने जीता है अगला क्वेश्चन टॉरपैक्स 2023 नामक सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया जा रहा है बताइएगा 2023 ये किया जा रहा है अरब सागर में नेक्स्ट शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है सर ये प्रधानमंत्री बने हैं आपके ए ऑप्शन कतर के नेक्स्ट निम्न में से किसने पृथ्वी आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जीता है प्रतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 लला ये जीता है सर डेविड चीपरफील्ड ने इंपॉर्टेंट बनेगा ये देख लेना ये क्वेश्चन आपके पेपर में झलकेगा इंपॉर्टेंट है ध्यान से इसको अगला क्वेश्चन निम्न में से किसे वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है बताइएगा पहली महिला इकाई कमांडर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है तो सर ये गौरव प्राप्त हुआ है आपके सी ऑप्शन सालिया धामी साल सालिजा धामी को ठीक है ना ये गौरव प्राप्त हुआ है किसको सालिजा धामी को अगला क्वेश्चन अटुकल पोंगल सर अटुकल पोंगल ये किस राज्य में मनाया जाता है बच्चा बच्चा जानता है केरल में नेफ्यू रियो अभी हाल ही में किस के? राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहना है ये आप देख लीजिएगा तो नेफ्यू रिवे रियो कहां से बने हैं नागालैंड के नए मुख्यमंत्री हैं पचहत्तरवा क्वेश्चन याओ सॉन्ग नामक उत्सव निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ है ंग नाम का उत्सव याओ सांग नाम का उत्सव लल्ला डी ऑप्शन मणिपुर में नेक्स्ट रामचंद्र पैडोल किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं सर नेपाल के चुने गए हैं रामचंद्र पैडोल अगला निम्न में में से किस देश ने 25 वर्षों पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है सर महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की गई है ए ऑप्शन कोलंबिया मुंडक उपनिषद द गेटवे टू ट्विटरिटी निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है मुंडक उपनिषद द गेटवे टू ट्विटरिटी यह किसके द्वारा लिखी गई है डॉक्टर कर्ण सिंह कांग्रेस के नेता हैं अगला एज गुड एज माई नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है बताइएगा एज गुड एज माई ठीक है ना तो एज गुड एज माई आपके बी ऑप्शन के एम चंद्रशेखर किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने पेड़ लगाओ बेटी के नाम ये योजना शुरू की है बताइएगा पेड़ लगाओ बेटी के नाम देखो भैया पीडीएफ के लिए ये ऐप लिंक लगी है उसको डाउनलोड कर लो जितने लोग नए हो मैं सभी लोगों के लिए एक बैच एक टेस्ट सीरीज एक वीडियो कोर्स अभी फ्री करने वाला हूं हजारों स्टूडेंट उसका लाभ ले चुके हैं लेकिन शर्त वही है अड्डा की ऐप रखोगे वही तो आपको दे पाएंगे तो वो डाउनलोड और अड्डा ऐप का लिंक लगा हुआ है डाउनलोड कर लो वहां पर पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी और अभी जो बैच बैप फ्री करने वाला हूं वो भी आपको मिल जाएगा देखो चैट में नीले पट्टी पे ऐप डाउनलोड की लिंक है और आपको साथ ही साथ ये भी बताऊं कि आज बैच का लास्ट डेट है आज एक बैच का लास्ट डेट है आज के बाद वो आपको अड्डा पे मिलेगा नहीं वो भी आपको मैं दिखा दूंगा कि भैया कहां पे है ठीक है ना वो कहां पे है निम्न आ, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय युवा कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय युवा कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है ए ऑप्शन नई दिल्ली नेक्स्ट माउंट मेरापी ज्वालामुखी अभी हाल ही में चर्चा में था यहां बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था माउंट मेरापी किस देश में है इंडोनेशिया में है नेक्स्ट निम्न में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का सर अब वो हट गया है दुनिया में का सबसे लंबा सिद्ध रेलवे प्लेटफॉर्म आपके कर्नाटक में खुल गया है ठीक है ना सिद्ध कर्नाटक में अगले भारत ने अभी हाल ही में किसके साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भाग लिया है ऑस्ट्रेलिया तो के, के थे और इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लिया है Next, अभी में किस राज्य ने नई खेल नीति लाई है नई खेल नीति लाने वाला है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ठीक है ना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने न्यू स्पोर्ट्स uh, पॉलिसी लाई है में हाल ही में अभ्यास, ला परोस, 2023 का कौन सा संस्करण शुरू किया गया बताइएगा भाई थोड़ा शेयर वेयर कर लो यार देख लो एक डेढ़ दो सौ स्टूडेंट ऐसे रुके हुए हैं कि मतलब वो क्या ही हम आपसे कहें ठीक है ना यार आज के दिन आकर के हम मेहनत कर रहे हैं कुछ तो ऐसा कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाओ वो वाली बात हो जाए ठीक है ना थोड़ा शेयर कर लो यार निम्न में से कौन एशिया की पहली महिला लोको बनी है ये आपके पेपर में आना है सुरेखा यादव बनी है ठीक है ना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन निम्न में से किसे ब्याज सम्मान ये भी आपके पेपर में छपना है देख लेना ब्याज सम्मान आपके पेपर में न पूछ दे तो ब्याज सम्मान ब्याज सम्मान आपके मिला है बी ऑप्शन ज्ञान चतुर्वेदी ठीक है ना ज्ञान चतुर्वेदी जी को ब्यास सम्मान मिला है अगला अभी भी आप क्वेश्चन का आंसर करें अभी भी समय है जितने मेरे स्टूडेंट लाइव में मुझसे जुड़ गए हैं वो ऐप डाउनलोड की लिंक लगी हुई है ऐप डाउनलोड कर लो क्योंकि आज के बाद अड्डा का एक बैच कभी आपको नहीं मिल पाएगा और एक बैच को मैं फ्री करने वाला, हूं, फ्री करने वाला हूं, टेस्ट सीरीज फ्री करने वाला हूं वो अड्डा के ऐप पे मिलेगा वो अभी आप डाउनलोड कर लीजिए सौवीं क्वेश्चन तक फिर मैं वो फ्री कर दूंगा आप सभी के लिए हजारों स्टूडेंट उसे ले चुके हैं प्लीज और प्लीज आप भी उसका लाभ उठा लें ठीक है ना बी ऑप्शन पी जो थी अगला निम्न में से किस दिन नदियों की कार्यवाही का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है नदियों की कार्यवाही का अंतरराष्ट्रीय दिवस सी ऑप्शन चौदह मार्च अगला भारत और ठीक है ना भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जेफरी बाबा जेफरी बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है सर जेफरी बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन श्रीलंका में भारत और श्रीलंका उच्च आयोग ने मिलकर किया है बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बताइएगा बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वो नए हैं आपके ये ऑप्शन जी कृष्ण कुमार अगला निम्न में से किस दिन नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है नस्लीय उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा भेदभाव के लिए सी ऑप्शन 21 मार्च ठीक है ना 21 मार्च अगला निम्न में से किस देश में सैफ 2023 प्रतियोगिता का आयोजन सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता बड़ी फेमस होती है और इसका आयोजन हो रहा है ए ऑप्शन भारत में ठीक है ना इसका आयोजन कहां हो रहा है ए ऑप्शन भारत में आयोजन अगला क्वेश्चन निम्न में से किसकी मदद से बी एन चाइना की मदद से बांग्लादेश लगा लिया है तो ऑप्शन सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रीय मानवी पदक से सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रीय मानवी पदक से ऑप्शन मिंडी कैलिंग को सम्मानित किया जाएगा सर इसके अभी सौ क्वेश्चन हो पाए लेकिन अगला जो सौ क्वेश्चन है वो मैं कल सुबह ठीक है ना कल सुबह आठ बजे कल सुबह सौ एम इसके जो बचे हुए हैं वो आठ ए एम पर पढ़ा दूंगा रीजन है कि आज आपको आ, क्या है कि आ, आपको पता है कि आज अड्डा के ऊपर एक नया शो लॉन्च होने वाला है और उस शो के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं अर्जुन लेकिन उससे पहले मैं आपको आ, कुछ बता दूं कि वो क्या है किस तरीके की चीजें हैं सबसे पहले तो ये जान लो जो लोग अड्डा का ऐप अभी भी डाउनलोड नहीं किए वहां से डाउनलोड कर ले उसके अलावा एक आपको और मैं बता दूं अड्डा स्टोर पे जाइए आज अर्जुन की लॉन्चिंग है कुछ बहुत बड़ा है अर्जुन नाम से ठीक है ना हाँ अर्जुन नाम से कुछ बहुत बड़ा है वो और जो लोग अड्डा का ऐप डाउनलोड किए हैं वो देखिए यहां पे पहला आप अड्डा स्टोर ओपन करिए ऑल कोर्सेज में जाइए एसएससी पे जाइए, एसएससी एमटीएस पे जाइए ये जो आपका योगदान बैच है जो स्टैटिक जीके का बैच है ये आज स्टोर से रात 12 बजे के बाद संभवतः हट जाएगा क्योंकि योगदान और वरदान एक होकर के आ जाएंगे तो आज आपके पास आखिरी चांस है स्टैटिक जीके के इस बैच से जुड़ने का ठीक है ना स्टैटिक इस, इस बैच से जुड़ने के लिए आपको कूपन कोड लगाना होगा वाई वन एट टू आपको कूपन कोड का प्रयोग करना होगा Y182 क्योंकि इस कूपन कोड का प्रयोग करके यह बैच आपको नाइन्टी सिक्स रुपीज में मिल जाएगी और इसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा इसको लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ और ऊपर यहां इसको लेने के लिए आपको कूपन कोड Y182 का प्रयोग करना होगा ठीक है ना Y182 का प्रयोग करना होगा इस बैच में जुड़ने के लिए ठीक है तो ये आप ध्यान रखेंगे और ये आप ध्यान रखेंगे और सर हम इसे कैसे ले पाएंगे इसकी लिंक मैं अभी पिन करवा रहा हूं कमेंट बॉक्स में उसी नीले वाले डाउनलोड ऐप वाले पट्टी की जगह आप उसमें क्लिक करके डायरेक्ट इस बैच को ले सकते हैं ठीक है ना अब देखिए कमेंट बॉक्स में मैंने वो आपके पिन करवा दिया ठीक है ना आप देखिए हाँ बिल्कुल अब वो नीले वाले पट्टी पे आ जाएगा आप वाई वन एट टू कूपन कोड का प्रयोग करके उसे ले सकते हैं दूसरी चीज आज के बाद योगदान बैच आपको स्टोर पे नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा स्टैटिक जीके के चाहे आप सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस कोई भी एग्जाम दे रहे हो बीस से पच्चीस लेक्चर इसमें है जहां तक बात है आज के लेक्चर के पीडीएफ की तो आज के लेक्चर का पीडीएफ आपको कल सुबह आठ बजे मिलेगा क्योंकि अभी सौ क्वेश्चन ही मैं पढ़ा पाया हूं सौ क्वेश्चन कल सुबह पूरा करूंगा ठीक है ना सौ so, क्वेश्चन मैं कल सुबह पूरा करूंगा ठीक है ना तो आपके लिए ये ऐप का जो लिंक है वो मैं लगा दे रहा हूं ठीक है ना ऐप का जो लिंक है ऐप का कह रहा हूं इस योगदान बैच का जो लिंक है वो मैं लगा दे रहा हूं और उसके बाद ठीक है ना उसके बाद आप इसे ले लेंगे आज के लेक्चर की पीडीएफ आपको कल सुबह आठ बजे मिलेगी ठीक है ना आज के लेक्चर की पीडीएफ आपको कल सुबह आठ बजे मिलेगी क्या कर रहे हैं सर लाइए ठीक है ना आज के लेक्चर की पीडीएफ आपको कल सुबह आठ बजे मिलेगी क्योंकि अभी सौ क्वेश्चन बाकी है सिर्फ इस वजह से अब कमेंट बॉक्स में जाके और देखो योगदान बैच की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है ठीक है ना योगदान बैच की आपको लिंक बॉक्स पिन कर दी गई है साथ ही साथ वो जो मैंने अपने स्टूडेंट से कहा था फ्री के लिए एसएससी पे आइए एसएससी पे आइए एसएससी एमटीएस पे आइए यहाँ व्यू ऑल पे जाइए और व्यू ऑल पे जाने के बाद आपको ये देखिए ये जो 1999 में है इसको आप यहां पे जा करके व्यू ऑफर पे जाइए और व्यू ऑफर पे जाकर के जो जो लोग ऐप डाउनलोड किए हैं एफ आर डबल ई फ्री कूपन कोड अप्लाई करेंगे और ये जीरो का हो गया ठीक है ना जिन जिन लोगों ने अभी कूपन कोड अप्लाई नहीं किया है वो लोग फ्री कूपन कोड अप्लाई कर लें सभी को ये जीरो में हो जाएगा जिन्होंने जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया है मैं आपको बता दूं कि यहां पे आप जाकर के जी, जीरो फ्री कूपन कोड लगाइएगा या आपको लास्ट वीडियो देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा ठीक है ना हाँ ये फ्री का है उन्नीस सौ रुपए की चीज ये फ्री है ये जीरो रुपीज में है ठीक है ना ये जीरो रुपीज में है उन्नीस की फिर से देख लो ऑल कोर्सेज पे जाना एस एस सी पे जाना एस एस सी एम टी एस पे जाना यहाँ पे व्यू ऑल पे जाना और सबसे नीचे ये लगा हुआ है जिसमें e सब कुछ है आपको सिर्फ एक काम करना है व्यू ऑफर पे जाके कूपन कोड अड्डा का ऐप डाउनलोड करके कूपन कोड क्या लगा देना है आपको फ्री एफ आर डबल ई फ्री और ये आपके लिए हो गया अच्छा अब जितने के जितने लोग हो सभी लोगों के लिए एक बड़ा इवेंट आ, प्लान है अर्जुन ठीक है ना सभी लोगों के लिए एक बड़ा इवेंट प्लान है अर्जुन ये देखिए जो एक इवेंट प्लान है यहां पे आप सभी लोगों को चलना है ये आठ बजकर अभी सात पैंतालीस पे यह शुरू होने वाला है ठीक है ना अर्जुन नाम से जो ये इवेंट है यह अभी और मैं सच बताऊं मुझे खुद भी नहीं पता कि यह एक्चुअली क्या है अभी जब मैं वहां जाऊंगा तो वहां पता चलेगा कि ये अर्जुन नाम से विशेष क्या है जितने के जितने यहां स्टूडेंट हो लल्ला सभी के सभी लोग ट्रांसफर हो जाइए इस एक 10-15 मिनट के लेक्चर में और देखिए यहाँ पे बहुत विधवत तरीके से अड्डा के स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं और वो क्या कर रहे हैं यहाँ पहुंच रहे हैं तो सब लोग मेरे लेक्चर को छोड़ छोड़ करके कहां पहुंचना है इस अर्जुन वाले इवेंट पे पहुंचना है सात बजकर पैंतालीस मिनट इसका टाइम है सात बजकर छियालीस मिनट हो गया मैं अगले एक मिनट में यहां रहने की जरूरत नहीं है सब लोग चलो अर्जुन वाले इवेंट में इस वाले पे देखते हैं आज अड्डा मैनेजमेंट ने स्टूडेंट्स के साथ और फैकल्टी जो सभी के लिए सरप्राइज है उसमें आपको मिलेगा क्या ठीक है क्या हो कोई दिक्कत दौड़ क्या है क्या अरे ठीक है तो सबके सब लोग इस अर्जुन वाले इवेंट में चलो आ रहे हो सब लोग तो एक बार सब लोग यहां पहुंचने के लिए ए लिखें कि यस सर वी आर कमिंग ठीक है ना सब लोग अर्जुन में जितने लोग आ रहे हैं ए लिखें ठीक है ना ए कमेंट बॉक्स में लिखो ठीक है ना और आज के अरे रुचि जी जब आप यहां पहुंचेंगी तब तो हमें खुद नहीं पता अर्जुन क्या है अब तो दो मिनट की बात रह गई ना तो दो मिनट में ये खुद ही देख रहे हो यहाँ सारे स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं एक हजार लोग पहले से देखो लाइक किए बैठे हैं वेटिंग यहां पे हजारों की चल रही है चलते हैं वी आर ऑल्सो ठीक है ना हम भी उन्हीं में से एक हो जाते हैं तो अभी भी देखो 1600 सो लोग हमको सुन रहे हो लल्ला हमको मत सुनो अब पहुंचो यहां पे मतलब हमको तो रोज सुना करो ऐसा नहीं है सुबह आठ बजे करंट अफेयर में सुनिए शाम में पहुंचो सब लोग यहां पे मेरा खुद ही मन हो रहा है इस वाले स्टूडियो में जाने का मैं तुम लोग की वजह से रुका हुआ हूं सब लोग निकलते हैं हम भी पहुंचे उस स्टूडियो में देखें यहाँ पे क्या झमाझम व्यवस्था चला जा रहा एक बार चला के देखा जाए क्या ये लाइव हो गया है ठीक है ना क्या ये लाइव हो रहा है बस अब पहुंचो सब लोग यहां से ठीक है निकला अभी भी देखो डेढ़ हजार लोग हम सुन रहे भैया ये सबके सब, सब लोग यहां पहुंचो ना समझ रहे हो और हाँ जो आज मैंने करेंट अफेयर पढ़ाया है उसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं क्या करने वाला हूं कल सुबह आपको दे दूंगा कल सुबह क्योंकि 200 क्वेश्चंस थे मैंने आज 100 क्वेश्चन ही पढ़ाए हैं 100 क्वेश्चन कल सुबह आठ बजे वाले सेशन में पढ़ाऊंगा और 200 के 200 क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दूंगा ठीक है ना बिल्कुल 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 कल सुबह दे दूंगा ठीक है ना चलिए <laughs> तो अब मैं जाऊं अभी भी देखो तेरह सौ लोग मेरे ज्ञान को रिसीव कर रहे हो ठीक है और हाँ याद रखना वो योगदान बैच की जो लिंक लगी है ना आज रात्रि में आखिरी मौका है वाई वन एट टू कूपन कोड लगा के उस स्टैटिक जीके बैच से जुड़ जाना नहीं तो कल शाम सात चालीस पे योगदान और वरदान आपस में एक हो रहे हैं ठीक है ना तो फिर वो नब्बे छियानबे में नहीं मिलेगा थोड़ा सा दो बैच मिलेंगे तो थोड़ा तो रेट बढ़ जाएगा इतना भी नहीं बढ़ेगा कि पहुंच से दूर हो जाए बट तो थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर इस लो ये अब शुरू हो गया है तो थोड़ा सा एक आग दो झलक यहीं तुम लोग देख लिया जाए कहा स्लाइस स्लाइस पीना है क्या हट रुके रहो तुम लोग रुके रहो देखो स्लाइस पिला के व्यवहार बना लिया ये इतना ऐड आता है लंबा चौड़ा ठीक है ना कि क्या ही हम बताएं रुको हम बता रहे हैं हा हा स्लाइस पी लो तुम कोई दिक्कत नहीं है पी लो इधर स्टूडेंट का करियर या लो पूरी टीम हमारी यहां है हम यहां है हमको भी जाना है हमको यहां खड़ा होना है ठीक है ये एक हजार लोग और लोग जाओ ठीक है ना सब लोग जाओ हम भी पहुंचे देखो अतुल सर क्या झमाझम अभिनंदन सर है सुशांत सर है पवन मोरल सर और आपके विनय सर अवधेश दीक्षित सर विवेक सर और यहाँ आशुतोष सर हम जा रहे हैं टाटा बाय बाय आओ जल्दी तुम लोग तो आओ तो वही माहौल बनाया जाए थोड़ा ठीक है और कल सुबह आठ बजे मिलते हैं करेंट अफेयर की क्लास में थैंक यू सो मच बाय बाय